मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। शुरू करते हैं रब करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के आल जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकत। बुर्ज दल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे तो आपको अपने बर्थ चार्ट अपने जायचे के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन हम एक ओवरऑल ओवरव्यू भी ले लेते हैं। और ये अब क्योंकि अक्टूबर का मिड आ चुका है, हम ये साथ साथ लेते रहेंगे ताकि हमें मालूम होता रहे कि आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा है और हमें क्या तैयारी करनी है, कहाँ पे एहतियात जरूरत है, कहाँ पर कामयाबी है, कहाँ पर एहतियात है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन तो आपको पता है ना बहुत जरूरी होती है, आपके मोहब्बतों का इजहार होता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ पे बहुत सी चीजें देखेंगे। ये आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मोहब्बत को भी देखेंगे, मोहब्बत की शादी, अरेंज मैरिज, बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क शादी, वालदैन के साथ ताल्लुकात, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, पैसे के मामलात, कारोबार के मामलात, जॉब के मामलात, इन तमाम का हम एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो जब हम अक्वेरियस के लिए 2025 देखते हैं तो बड़े मिले जुले नतायज लेकर आएगा। मिले जुले नतायज से मुराद है कि ये साल पूरा जो है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बेहतरी लेकर आएगा। यहाँ पर मुश्तरी जो है वो चौथे घर से गुजरेगा और मई 2025 के बाद से वो गुजरेगा पांचवें घर से। अक्टूबर से दिसंबर तक मुश्तरी जो है वो छठे घर से गुजरेगा। तो ये साल का आगाज जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। बहुत कुछ इस बास्केट में है इस साल के आगाज में, ये आप याद रखिएगा। बहुत से कामों में आपको कामयाबी हो सकती है। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। पार्ट टाइम कर सकते हैं आप। अगर सिंगल हैं तो आने वाला पार्टनर जो है वो या तो इनकम लेकर आएगा या अपने घर से जो है वो प्रॉपर्टी लेकर आ सकता है या बिजनेस, फैमिली बिजनेस लेकर आ सकता है। तो शादीशुदाओं के लिए तो बहुत अच्छा साल है, लेकिन कंवारों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, अहम वाक्यात जो है वो आगे जाके हम देखेंगे, हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, मोहब्बत के और जो लोग नई शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा, शादीशुदा लोग, कारोबारी लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आप सियासत से वाबस्त हैं, अगर आप सियासतदान हैं या शोबिज हैं, तो ये साल आपके लिए रूज का साल साबित होगा। आपको दुनिया रिकग्नाइज करेगी और ये बहुत अच्छी एक बात नजर आ रही है। माली हालत उससे वाकई बेहतर हो जाएगी। नए आइडियाज, नई सोशल गैदरिंग और नए आइडियाज आपको मिलेंगे। अपने तजर्बे की वजह से आप नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते और नए कामयाबी समेटते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथियों की तरफ से आपकी तारीफ की जाएगी। जो लोग किसी काम के लिए बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं उनको बड़ा फायदा होगा, बैरून मुल्क जाने का भी बड़ा फायदा होगा। अगर एक शख्स अपने मुल्क में, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 30,000 कमा रहा है तो बैरून मुल्क 3 लाख कमाने के चांसेस भी मिल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको तरक्की और काम मिल सकता है, जॉब के हवाले से बता रहा हूँ, और आपको बोनस जो है वो मिल सकते हैं। जो लोग MNC में काम करते हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ने के बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्कान है। ठीक है, खानदान पर आप अपनी जरूरियात के हिसाब से खर्च करते हैं, खानदान की लग्जरी के लिए खर्च करते नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। घरेलू खवातीन को मैं ये खुशखबरी दे दूं, आपके शोहर आपको सफर पर लेकर जा सकते हैं इस साल, हज उमरा या ज्यारत के मकामात पर लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा आपके कम्फर्ट के लिए वो कोई गाड़ी ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, ऐसे बहुत से चांसेस नजर आ रहे हैं। सॉरी, मई से जो है ना राहु जो है ना वो आपके पहले और सातवें घर में और केतु की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, तो रिश्तों में फिर यहाँ से हमें थोड़ा सा जो है ना उतार चढ़ाव नजर आना शुरू हो जाएगा। खैर, थोड़ा तो नहीं होगा, काफी होगा, जिसमें शादीशुदा जिंदगी में भी होगा, बहन भाइयों के साथ भी होगा। और इसमें हम देखते हैं कि ये उतार चढ़ाव जो है ना काफी हद तक फेवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज भी होंगी, वो आपको करनी होंगी, वो आपके बुर्ज के हवाले से होंगी। ठीक है, और अब वो रेमेडीज क्या है वो आपके अपने अपने वाले से होती हैं, महीने की और साल की सब कुछ तो हम आपको बताते रहते हैं। अगर हम आपके पैसों के मामले को देख लें, आपके कुछ मामलात को ना हम यहाँ साथ साथ देख भी रहे हैं, पैसों के मामलात को अगर देख लें तो अच्छा रहेगा। साल की पता मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी होगी क्योंकि पैसों की आमद रहेगी और जो आप मेहनत करेंगे उसके मतलूबा नतीज और आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों के साथ आपको नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मामलात ट्रांसपेरेंट रखिएगा, सख्त फैसले कीजिएगा,
तो इंशाल्लाह आप कमा सकेंगे और माली हैसियत आपकी बेहतर हो जाएगी। वालदैन या बुजुर्गों का तावन भी आपको मिलेगा और आप बहुत से काम जल्दी जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाते भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं फूड सेक्टर की, कॉस्मेटिक सेक्टर्स की बात करूं, अगर मैं आईटी में ई कॉमर्स की बात करूं या मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो यहां पर आप कमाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साल का दूसरा निसफ जो होगा जब मई गुजरेगा तो फिर चैलेंजेस भी आपके लिए शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो चीज जो इस साल आपके साथ हो सकती है वो है अंधा एतमाद। ये अंधा एतमाद जो है आपको सख्त नुकसान पहुंचा सकता है, बड़ा माली नुकसान आप यहाँ पर करेंगे। आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपको यहाँ पर डस जाएंगे, ये बड़ा इशू रहेगा आपके साथ। इसलिए आपको बहुत से फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बैरून मुल्क है तो लोग ये चाहेंगे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वबाले जान बन सकती है। पैसे भी जाएंगे, लीगल मैटर्स भी फेस करने पड़ेंगे, खामखा की टेंशन, स्ट्रेस और परेशानी भी देखनी पड़ेगी। माली लिहाज से वैसे अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपकी लालच आपको मरवा सकती है। ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा आप काम करें ये जिसमें लालची आंसर होगा वहां पर आपको नुकसान होगा। कारोबार ही लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर एक मैं मिसाल दूं कि आप महीने, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर आप महीने की आपकी बचत सब कुछ निकाल कर 1 लाख रुपया है अपने मुल्क के हिसाब से, इंडियन है तो इंडियन रुपी 1 लाख रुपीज है, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी 1 लाख रुपीज है, बांग्लादेशी है 1 लाख टका है आपके पास, ब्रिटिश है तो 1000 पाउंड है, अमेरिकन 1000 डॉलर है, तो क्या होगा यहाँ पर आपके 20% इंक्रीज तो ऐसे साल के आगाज में उसमें हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से देखना है, मैंने यहाँ पर आपको आपकी माली हालत जो है एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सेहत के हवाले से भी दूंगा, कैरियर के हवाले से भी दूंगा, मोहब्बत के हवाले से भी दूंगा, आने वाली वीडियोस के अंदर आपको इन सब के हवाले से भी मैं कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बंधे रहिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया और उसके साथ थोड़ा सा हमने बिजनेस वालों को देखा है, कैरियर और मोहब्बत ये दोनों अहम है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात मैंने बताई है, जो सबसे बड़ी बात बताई है वो मैंने बताई है शोबिज वालों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए, और अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में इन होना चाह रहे हैं तो जरूर होइएगा, ये साल आपका साल होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, लेकिन आपका पॉजिटिव रुझान है, आपको पता है आपने क्या करना है, तो फिर मेरा भाई ये वक्त आपका, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।